फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। और ये पार्ट वन है इस वीडियो का। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को कवर किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एनमोमीटर मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे एनमोमीटर मेजर करती है इनमें से किन चीज़ों को, ठीक। सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पीड ऑफ विंड। एन एनमोमीटर मेजर्स स्पीड ऑफ विंड। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको। देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनमोमीटर्स सुइटेड फॉर डिफरेंट एनवायरमेंट्स। ऑलराइट, डिफरेंट तरीके के होते हैं एनमोमीटर्स अलग अलग एनवायरमेंट्स के लिए। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ ए स्टार। हेयर इज फोर ऑप्शंस। सो इनमें से कौन सी चीज़ इंडिकेट करती है हमारे कलर ऑफ स्टार्स को। सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर डिस्क्रिप्टिव में इसका आंसर लिखना हो तो ये है, द कलर ऑफ ए स्टार विच वेरीज फ्रॉम ब्लूइश वाइट। जो कलर होता है स्टार का, अगर ब्लूइश वाइट है या फिर येलो टू ऑरेंज हो रहा है या रेड, प्रीमियरली ड्यू टू किस वजह से हो रहा है, इट्स कंपोजिशन एंड इफेक्टिव टेम्परेचर की वजह से। ऑल राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सरे इमिशन इज। रिवर्स इफेक्ट क्या है एक्सरे इमिशन का। हेयर इज फोर ऑप्शंस। सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑल राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पाइग्नोमैनोमीटर मेजर्स द ब्लड प्रेशर इन द। स्पाइग्नोमैनोमीटर जो मेजर करती है हमारी ब्लड प्रेशर, इनमें से किस चीज़। इज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टरीज को। ऑल राइट, हम स्पाइग्नोमैनोमीटर को ये भी बोलते हैं ब्लड प्रेशर मीटर, ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को। और यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इट इज़ यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरीज। ऑल राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रुप ऑफ ए सोलर सेल्स जॉइन टुगेदर इन अ डेफिनाइट पैटर्न इज कॉल्ड। जो ग्रुप ऑफ सोलर सेल्स का होता है वो जॉइन होते हैं एक साथ डेफिनाइट पैटर्न में, उसको हम क्या बोलते हैं। सो हेयर इज फोर ऑप्शंस एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सोलर सेल पैनल बोलते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और यहीं पे मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करी जाए। सो सोलर पैनल्स आर दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू ऑब्जर्व द सन रेज एंड कन्वर्ट दैम इनटू इलेक्ट्रिसिटी और हीट। ओके, एंड ए सोलर पैनल इज एक्चुअल ए कलेक्शन ऑफ ए सोलर और फोटोवोल्टेइक सेल्स। मींस यही है कि सोलर पैनल्स जो है डिवाइस है एक, जो कि यूज़ करता है, ऑब्जर्व करता है सन की रेज को और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट में, ठीक है। और सोलर पैनल एक्चुअली क्या चीज़ है, एक कलेक्शन ऑफ सोलर सेल्स है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। इनमें से सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विजिबल लाइट। इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो यही है कि विजिबल लाइट हैज़ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ऑल राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिस्कवर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की डिस्कवरी किसने की। सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है मैक्सिमम। नेक्स्ट इज विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन। कौन से डिवाइस का हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए डेप्थ ऑफ ओशियन का। सो हेयर इज फोर ऑप्शंस एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फैदोमीटर का यूज़ करते हैं, जो डिवाइस है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। फैदोमीटर इज अ डेप्थ फाइंडर दैट यूज साउंड वेव्स टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ ए वाटर। ऑल राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्मोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय। सिस्मोमीटर को इन्वेंट किसने किया। सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लुगी पाल्मेरी ने, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, किसने इन्वेंट किया सिस्मोमीटर को, लुगी पाल्मेरी ने। ऑल राइट, इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखा जाए, सिस्मोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है दैट मेजर्स मोशन ऑफ द ग्राउंड, जो कि मेज़र करता है जो भी हमारी मोशन होती है ग्राउंड पे। कॉज बाय क्यों, फॉर एग्जांपल ले लिया जाए अर्थक्वेक जो होती है मोशन, वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, और द यूज़ ऑफ एक्सप्लोजिव जो हम करते हैं उस वजह से ही मोशन होती है ग्राउंड में। एंड इसको इन्वेंट किसने किया, इटालियन साइंटिस्ट थे जो कि लुगी पाल्मेरी। ऑल राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज न्यूटन्स। ये कौन से लॉ में कहा था,
सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, थर्ड लॉ में कहा था। और इसका एक आपको एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल वही है कि बोट है एंड इस बोट से अगर कोई मैन, कोई भी पर्सन अगर कूद रहा है इस बोट में तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस होंगे, ठीक है। इसी को न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इज नॉन एज, जो हम स्टडी करते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स को, कि उसको हम क्या कहते हैं। सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट इज इफ ए बॉल इज थ्रोन अप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, अगर हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ नहीं चेंज होने वाली है। यहाँ पे चार ऑप्शंस है, तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होगी। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, अगर हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड, सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगी, ठीक है। इट कम्स टू रेस्ट फॉर ए मोमेंट, वो कुछ देर के लिए रेस्ट में आएगी कुछ मोमेंट के लिए, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए मोशन जहाँ पे होगा, बिफोर जब तक वो वापस ना आए, रिटर्निंग बैक टू द अर्थ। ऑल राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीफोन एक्सचेंज वॉज इन्वेंटेड बाय, टेलीफोन एक्सचेंज जो है वो किसने इन्वेंट किया। यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तीवाधार पुस्कस ने। ऑल राइट, नेक्स्ट इज विच डिवाइस इज यूज टू मेजर अर्थक्वैक, इनमें से कौन सी डिवाइस का हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए अर्थक्वैक को। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड सिस्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस सम क्वेश्चंस, एंड द दैट मेजर्स मोशन ऑफ ए ग्राउंड, जो भी मोशन होती है ग्राउंड पे उसको मेजर करने के लिए हम सिस्मोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द लाइट विद द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ इज, जो लाइट है उसकी शॉर्टेस्ट वेव लेंथ है, इनमें से कौन से कलर की है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वॉयलेट कलर की। इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए, सो वेव लेंथ ऑफ ए रेड कलर जो कि है उसकी लार्जेस्ट रहेगी, ठीक है, एंड वॉयलेट कलर की शॉर्टेस्ट वेव लेंथ रहेगी, इतना याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ग्लास को हम और क्या बोलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। सो ग्लास को हम बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड, ठीक है। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखा जाए, सो देखते हैं, ग्लास इज समटाइम्स कॉल्ड एज ए सुपर कोल्ड लिक्विड, ठीक है, कहते हैं बिकॉज इट डज़ नॉट फॉर्म ए क्रिस्टल लाइन स्ट्रक्चर, बिकॉज क्या है कि ये क्रिस्टल लाइन स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करता है, बट इंस्टेड फॉर्म्स एन अमॉर्फस सॉलिड, बट क्या है इसके बावजूद वो फॉर्म करता है अमॉर्फस सॉलिड दैट अलाउज मॉलिक्यूल्स इन द मटेरियल टू कंटिन्यू टू मूव, जो कि अलाउ करता है जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं मटेरियल के अंदर वो कंटिन्यू मूव करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ ए वाटर इज मैक्सिमम एट, डेंसिटी जो है वाटर की वो मैक्सिमम कितने डिग्री पे होती है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन द आइस मेल्ट्स टू लिक्विड वाटर, जब आइस मेल्ट होती है वाटर में, सो द स्ट्रक्चर कोलैप्स, जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स होता है, एंड द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, जो लिक्विड की डेंसिटी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। एंड एट ए टेम्परेचर वेल अबव फ्रीजिंग, और उस टेम्परेचर पर क्या होता है कि वो अबव फ्रीजिंग हो जाती है, द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, मॉलिक्यूल्स फास्टर मूव करते हैं, गेट फर्दर अपार्ट, द डेंसिटी डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो बिल्ड्स इंडिया फर्स्ट सेटेलाइट नॉन एज, इसरो ने जो बनाया था पहला इंडिया का फर्स्ट सेटेलाइट उसका नाम क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको भी। सो उसका नाम था आर्यभट्टा, ठीक है, फर्स्ट सेटेलाइट का। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेनफॉल इज कॉल्ड, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं मेजर रेनफॉल करने के, रेनफॉल को मेजर करने के लिए, उसका नाम क्या है। सो उसका नाम है इंस्ट्रूमेंट का हाइटोमीटर। ऑल राइट, नेक्स्ट इज हु एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ द क्वांटम थ्योरी, किसने एस्टैब्लिश की फाउंडेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स प्लैंक ने फाउंडेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी को एस्टैब्लिश किया, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ ए रोटेटरी मोशन, इनमें से कौन सा दो तरह के रोटेटरी मोशंस हैं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन। इसकी PDF मिल जाएगी फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड रॉकेट, रॉकेट को इन्वेंट किसने किया।
सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट गॉडर्ड ने। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन अगर देख लिया जाए, सो रॉबर्ट होचिंग्स गॉडर्ड इनका पूरा नाम था, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर 5, 1882 से अगस्त 10, 1945 तक थी। ये एक अमेरिकन इंजीनियर थे, प्रोफेसर थे, फिजिस्ट थे एंड इन्वेंटर थे। ठीक है, जिनको क्रेडिट विद क्रिएटिंग ए बिल्डिंग्स द फोर वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट। ठीक है, इन्होंने बनाया था, क्रेडिट इनको इस चीज़ का मिला। नेक्स्ट इज द कूलिंग बाय अ डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कूलिंग बाय अ डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन वो किसके ऊपर बेस होता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एवोपरेटिव कूलिंग के ऊपर बेस होता है। ठीक है, यहीं पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कूलिंग बाय अ डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन है एवोपरेटिव कूलिंग एंड दीज कूलर्स आर ऑल्सो नॉन एज ए स्वैप कूलर्स। और इन तरीके के जो कूलर्स होते हैं उनको हम स्वैप कूलर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम है, उसको इन्वेंट किसने किया। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने। ऑलराइट, अब इसका हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम एज ओरिजिनली प्रपोज बाय स्कॉटिश कैनेडियन सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग इन 1879। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डिवाइड इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया वर्ल्ड को 24 टाइम जोन्स में एंड ईच वन जोन कवर करता है 15 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग विंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं, मेज़र करते हैं विंड वेलोसिटी को, उसको हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शंस है, सो इसका राइट आंसर है एनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो होता है उससे हम मेज़र करते हैं विंड वेलोसिटी को। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन ए पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन ए ग्लास ऑफ वाटर मेल्ट्स द लेवल ऑफ वाटर विल। अगर आइस फ्लोट हो रही है ग्लास के अंदर और वाटर के अंदर मेल्ट हो रही है, ठीक है, तो लेवल क्या होगा वाटर का ग्लास के अंदर, वो बढ़ेगा, कम होगा या फिर बराबर उतना ही रहेगा। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है कि वो सेम रहेगा। ठीक है, ये काफ़ी बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी इज कॉल्ड। जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, मेज़र करते हैं, मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। सो उसका नाम है लूसीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, उसका नाम क्या है। सो इलेक्ट्रिक मोटर जो डिवाइस होती है वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इसके अगर एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए तो इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर्स इन्वॉल्व रोटेटिंग कॉइल्स ऑफ ए वायर ऑलराइट विच आर ड्राइवन बाय द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड। ठीक है, बाय अ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट इज शेविंग मिरर जो हम यूज़ करते हैं वो किस टाइप का मिरर होता है। यहाँ पे चार ऑप्शंस है, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, हमारा जो शेविंग मिरर होता है। नेक्स्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है हमारी नेचर में। यहाँ पे चारों ऑप्शंस हैं और ये चारों की चारों फोर्सेस हैं हमारी। सो इसका राइट आंसर है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है हमारी नेचर के अंदर वो है न्यूक्लियर फोर्स। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑलराइट, इट इज़ अ प्रेजेंट इनसाइड द एटम। ये एटम के अंदर प्रेजेंट रहता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, बाइंडिंग द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बाइंड करके रखता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, also inside the proton and neutron in binding up the quarks। और जो अंदर होते हैं proton and neutrons वो भी binding up होते हैं quarks से। ठीक है, next is the nature of fuse wire is। ये भी बहुत important question है, fuse wire का nature क्या होता है, काफ़ी बार पूछा गया है। so इसका right answer है option A, low melting point होता है। ठीक है, इसका nature देखते हैं, इसका explanation। electric fuse is a प्रोटेक्टिव डिवाइस है, एक इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को इन द शॉर्ट सर्किट बाय ब्रेकिंग द सर्किट। ठीक है, व्हेन देयर इज़ ए शॉर्ट सर्किट इट हैज़ ए लो मेल्टिंग पॉइंट। और इसी वजह से क्या है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट इज टंगस्टन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टंगस्टन जो हम यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं फिलामेंट
ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब में क्यों करते हैं, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से हम टंगस्टन को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट, ठीक है. टंगस्टन इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है इसकी, ठीक है, और कितनी होती है 3422 डिग्री सेल्सियस होती है. नेक्स्ट इज रेड इज़ यूज एज एन इमरजेंसी और डेंजर सिग्नल, बिकॉज जो रेड कलर होता है उसको हम इमरजेंसी या फिर डेंजर सिग्नल के लिए यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज़ द लॉन्गेस्ट. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्गेस्ट होती है, लार्जेस्ट होती है. अब इसका हम एक बार वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. रेड जो है हम यूज़ करते हैं इमरजेंसी और डेंजर सिग्नल के लिए बिकॉज इट हैज़ ए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ऑलराइट, और इट इज़ स्कैटर्ड द लीस्ट बाय एयर मॉलिक्यूल्स. वो स्कैटर करता है एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू, एंड द इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली रिलेटेड टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ ए कलर, ऑलराइट, एंड सो रेड लाइट इज एबल टू ट्रैवल द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस. ये है इसका एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट इज विच एलिमेंट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिल्वर एलिमेंट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करती है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट अंडर द मटेरियल, जितना मटेरियल के अंदर कैरी हो रहा है. एंड द मोस्ट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव एलिमेंट जो है हमारा सिल्वर है, ऑल राइट, एंड इसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आते हैं. नेक्स्ट इज द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इज मैक्सिमम इन, जो साउंड की वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है. यहाँ पे चार ऑप्शन है, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मेटल के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, और मिनिमम किस में होती है, गैसेस में होती है, ये ध्यान रखना आप. नेक्स्ट इज द टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, कितना टाइम लगता है सनलाइट को अर्थ की सरफेस तक पहुँचने के लिए. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8.5 मिनट्स लगते हैं, या तो आप ये भी कह सकते हैं कि 500 सेकंड्स लगते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट वाज़ द फिजनेबल मटेरियल यूज्ड इन द बॉम्ब्स ड्रॉप्ड एट नागासाकी जापान इन द ईयर 1945. हमको इतना तो पता ही है कि अमेरिका ने बॉम्ब ड्रॉप किए थे जापान के ऊपर हिरोशिमा एंड नागासाकी में, ठीक है, 1945 में. तो कौन सा फिजनेबल मटेरियल यूज़ किया था उन्होंने. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लूटोनियम यूज़ किया था, ठीक है. यहीं पे हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की. फैट मैन उसका कोड नेम था टाइप ऑफ बॉम्ब का, ठीक है, विच वॉज ड्रॉप्ड ऑन द जापानीज सिटी ऑफ नागासाकी बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे कि हमने बताया आपको. एंड प्लूटोनियम वॉज यूज एज अ फिजनेबल मटेरियल इन दिस बॉम्ब, ठीक है. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है. नेक्स्ट इज द कलर ऑफ अ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, जो लाइट का कलर है वो डिटरमाइन करते हैं हम किस चीज़ से, उसकी वेवलेंथ से, ठीक है. एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए, सो द कलर ऑफ अ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स वेवलेंथ. डिफरेंट कलर हैव अ डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट कलर्स हैं उनकी डिफरेंट वेवलेंथ है. एंड द वेवलेंथ ऑफ अ रेड कलर लार्जेस्ट है एंड वॉयलेट कलर की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, ये याद रखना आप, ठीक है. नेक्स्ट इज द सन इज़ विजिबल टू अस फ्यू मिनट्स बिफोर द एक्ट सनराइज, बिकॉज जो सन हमें विजिबल होता है कुछ मिनट्स के लिए सनराइज से पहले, वो क्यों होता है. सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट द सन इज़ विजिबल टू अस फ्यू मिनट्स बिफोर सनराइज एंड फ्यू मिनट्स आफ्टर सनसेट, ऑलराइट, और किस वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से. नेक्स्ट इज वेव्स यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर, जो हम वेव्स यूज़ करते हैं टेलीकम्युनिकेशन के लिए कौन सी वेव्स होती हैं. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑल ऑफ द अबव, माइक्रोवेव, इंफ्रा एंड रेडियो वेव्स, ठीक है. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द माइक्रोवेव्स आर हाईली फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होती हैं इन द 300 मेगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़ रेंज तक, और जो द सिग्नल्स कैन कैरी, जो सिग्नल्स कैरी होते हैं थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स जो कैरी करते हैं एट सेम टाइम, मेकिंग इट वेरी वर्सटाइल कम्युनिकेशन सिस्टम. एंड रेडियो वेव्स आर यूज टू ट्रांसमिट
television and radio programs. So friends, these are the important question for your exam. And इसका बहुत जल्द मैं second part लेके आऊँगा. I hope you like this video. So please subscribe my channel and share my video. Thank you so much for watching this video.